Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. And we were discussing with a very important thing in the topic non-Mendelian inheritance. हमारा जो chapter है that is principle of inheritance and variation. इस chapter के अंदर हमारे दो topics हैं. Basically जिसके साथ हम deal कर रहे हैं. The first topic was the Mendelian inheritance. इसके अंदर हमने क्या किया था, मेंडल के सारे लॉज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस. नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर शोइंग डेविएशन फ्रॉम द मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दोबारा से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से शुरू करते हैं. द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, दैट इज द मल्टीपल जीन्स. इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स. एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. That's why this is known as the multiple gene inheritance, and इसको polygenic inheritance भी बोला जाता है. Students, इसका example है human skin color and human height. Human skin color and human height, it considers the influence of the environment. हमें पता है along with the multiple allelism, along with the polygenic inheritance कि एक कैरेक्टर के लिए पॉलीजेनिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी एंड जेनिक मतलब जीन्स. सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज अ इनहेरिटेंस इन विच मेनी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल कैरेक्टर. वी कैन राइट इट हियर एज मेनी जीन्स are responsible for a single character. इसके examples में हमने पहले भी पढ़ा है, in the last class also we discussed about that कि जो human skin color है and human height है, these are the two characteristics जिसके लिए more than two genes responsible होते हैं. And you can see the variation as from clear white to black. यहाँ पे हमारी skin का जो है variation and height का जो variation है pure dwarf from giant. यहाँ पे genes के साथ साथ जो genes responsible हैं basically उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट को भी काउंट अप किया जाता है. एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्लेज अ ग्रेट मेजर रोल, ग्रेट बिग रोल ऑल्सो. सो इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. तो फिनोटाइप क्या होता है, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ईच अलील का. मतलब कि देखो कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. कि पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर जो फिनोटाइप है, जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमें बाहर से आंखों से दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील. एक अलील है या दो अलील है इसके पास, डोमिनेंट वाले या रिसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिकली, तो इसको हम फिनोटाइप से देख के गेस कर सकते हैं. द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव. स्टूडेंट्स द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव. जैसे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये वाला जो व्हाइट कलर है, इसका जो जीन होगा दैट इज प्योरली रिसेसिव. यहाँ पे जो हमारे पास जीन आ रहा है दैट इज एंड यहाँ पे जो आ रहा है ब्लैक में, यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज
आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव, कि डोमिनेंट वाला एक भी नहीं है तो प्योरली वाइट हो गया, डोमिनेंट वाले तीन प्रेजेंट हैं तो मीडियम हाइट मीडियम कलर हो गया सॉरी, एंड अगर डोमिनेंट वाले सारे डोमिनेंट वाले ही प्रेजेंट है तो कलर क्या हो गया प्योरली डार्क कलर. So in this way, you can see that how the effect of each allele is additive. So let us write a question. In the case of polygenic inheritance, how can you explain that the effect of each allele is additive. Now let us go to the next slide and see कि next slide के अंदर हमें क्या बताया गया है. Okay students, so let us first talk about the human skin color. Human skin color is the first characteristic that is polygenically controlled. Assume that the three genes that is A, B and C control the human skin color. Dominant forms are A, B and C and are responsible for dark skin color. मैंने आपको बताया था dark skin color के लिए dominant form responsible है. Recessive forms are small a, small b, small b, small c responsible for the light skin color. Student, skin color is a characteristic but you have to remember that कि जैसे जैसे skin light होती है skin की quality खराब होती जाती है. Dark skin is the pure skin, is the natural form of skin, it is the naturally selected form of skin. तो जो dark skin होती है ना वो बहुत ही ज्यादा protective होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी quality की skin होती है, free from any skin diseases, less prone to any kind of the skin diseases. हालांकि जो white skin color है या light skin color है उसमें स्किन डिसीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सेंसिटिविटी, यूवी रेडिएशंस की तरफ से एलर्जी, सन से एलर्जी एंड अदर थिंग्स से भी बहुत ज्यादा जो है इफेक्टेड रहते हैं व्हाइट स्किन वाले पीपल. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट दैट देयर शुड बी नो कलर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. Genotype with all the dominant alleles, that is capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, gives the darkest color. As you can see in the first case, it is the darkest skin color and it is the best quality of the skin. क्योंकि जो भी dominant होता है ना students वो best ही होता है. Next is genotype with all the recessive alleles give the lightest skin color, that is small a, small a, small b, small b, small c, small c. It gives the lightest skin color, that is in the second picture you can see that. Genotype with three dominant plus three recessive alleles give the intermediate skin color, neither dark nor light. This is the intermediate skin color. Thus number of each type of alleles in the genotype determine the darkness or the lightness of the skin. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स का नंबर होगा
वैसे वैसे हमारे पास क्या होगी, उसी टाइप की क्या होगी हमारे पास इनहेरिटेंस होगी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट एंड दिस इज द बेसिक थिंग। चलो स्टूडेंट लेट अस गो फर्दर। यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंड दैट इज फॉर प्लियोट्रॉपी। स्टूडेंट्स प्लियोट्रॉपी पे जाने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हाइट का भी यही कंसेप्ट होता है। जिसके पास सारे जो सिक्स जीन्स हैं, सिक्स के सिक्स जीन्स अगर उसके पास डोमिनेंट वाले हैं तो हाइट बहुत ज्यादा लंबी होगी। अगर सिक्स के सिक्स जीन्स हैं वो रिसेसिव वाले हैं तो हाइट बहुत ज्यादा छोटी होगी। एंड अगर थ्री जीन्स रिसेसिव हैं, थ्री डोमिनेंट है तो हाइट क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। So this is the thing students, now let us go to the pleiotropy. Here pleiotropy kya hota hai students, ek hi gene responsible hota hai bahut sare phenotypic expressions ke liye. Yahan pe hamare paas ab do terms aa gayi hain, polygenic. Polygenic means many genes one character, and next thing is pleiotropy. One gene, many characteristics. ये क्या हो गई, contrasting terms हो गई. So you have to remember that the difference between the pleiotropy and polygenic inheritance gives us the difference of the concept. Concept ke difference ke base ke according hame kya mil rahe hain, hame questions mil rahe hain NEET ke upar. So agar aapka concept ki understanding hi galat ho gayi na to aapke sare questions NEET mein galat ho jayenge on this basis. देखो स्टूडेंट्स इन फिनाइल कीटो यूरिया, फिनाइल कीटो न्यूरिया बेसिकली एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज मेनी फिनोटिपिक इफेक्ट। एक जीन क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है और वो क्या कर देता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर देता है। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं। ट्रेट जैसे कि ब्राउन एंड ब्लू आईज, ये क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। तो प्लियोट्रॉपी एंड मल्टीपल ट्रेट्स क्या होते हैं, प्लियोट्रॉपी मतलब सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स। वो क्या कर रहा है, ट्रेट ए को भी कंट्रोल कर रहा है, ट्रेट बी को भी कंट्रोल कर रहा है एंड ट्रेट सी को भी कंट्रोल कर रहा है। हियर a single gene exhibits multiple phenotypic expressions, such a gene is called a pleiotropic gene. In most cases mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways which contributes towards different phenotypes. Students basically ye hota kya hai, hota ye hai ki ek hi gene kya ho raha hai, modify. एक जीन मॉडिफाई होने के बाद, एक जीन चेंज होने के बाद, एक जीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के बाद क्या करता है, बाकियों के मेटाबॉलिक पाथवेज को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से या जिसकी वजह से बेसिकली हमारा सारा कुछ क्या हो जाता है, हिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, फिनाइल कीटो यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स अभी देखते हैं हम कि फिनाइल कीटो यूरिया में होता क्या है। बेसिकली फिनाइल कीटो यूरिया एक ही जीन के ऑल्टर होने के साथ होता है। इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। मतलब ट्रेट ए को भी कंट्रोल कर रहा है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। उसी जीन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो गई है बच्चे को, उसी जीन की वजह से क्या हो गया, रिडक्शन इन हेयर हो रही है बच्चे को, उसी जीन की वजह से क्या हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो रही है। मतलब स्किन क्या हो रही है, उसकी खराब हो रही है। बेसिकली दिस इज द थिंग एंड दिस इज द कंसेप्ट।
प्लियोट्रॉपी में स्टूडेंट्स स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड बाय बीबीजी. जिस प्लांट के अंदर दोनों डोमिनेंट होंगे ये वाले, उसकी स्टार्च के स्टार्च को सिंथेसाइज करने की प्रॉपर्टी जो होगी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी. दिस काइंड ऑफ प्लांट विल बी एबल टू सिंथेसाइज स्टार्च एप्रोप्रिएटली एंड प्रॉपरली. Therefore, large starch grains are produced. ये जो मटर के दाने होते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और उसमें प्रॉपर स्टार्च प्रेजेंट होता है. किन प्लांट्स के अंदर? जिन प्लांट के अंदर बी बी कैपिटल हो, बी जीन कैपिटल मतलब डोमिनेंस में प्रेजेंट है. दिस इज सिंथेसाइजिंग लार्ज साइज सीड्स कंटेनिंग ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स. अब यही अगर जीन रिसेसिवनेस में प्रेजेंट है, रिसेसिव कैरेक्टर में प्रेजेंट है, बी बी दैट इज स्मॉल बी बी हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स. यहाँ पे जो कैपिटल सॉरी रिसेसिव के अंदर प्रेजेंट है दैट इज स्मॉल बी वो क्या करता है, वो स्टार्च सिंथेसिस को क्या कर देता है, कम कर देता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल कर देता है, स्मॉलर अमाउंट में. स्टार्च ग्रेन साइज आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. स्टार्च ग्रेन साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है कि अगर ये रिसेसिव कैरेक्टर में प्रेजेंट हो तो वो क्या करता है, इंटरमीडिएट मतलब बिल्कुल अगर बी बी सपोज करो होना क्या चाहिए था, अगर ये जीनोटाइप है एक पी प्लांट का, होना क्या चाहिए था, इसको प्रोड्यूस करना चाहिए था डोमिनेंट के अकॉर्डिंग स्टार्च, बट नहीं, डोमिनेंट के अकॉर्डिंग स्टार्च नहीं प्रोड्यूस होता है, इंटरमीडिएट होता है. ना ही डोमिनेंट जितना बड़ा होता है ग्रेन जो होता है, ना ही रिसेसिव जितना छोटा होता है जो ग्रेन होता है. सो बेसिकली इट वेरीज इन दैट केस. हाँ जी, यस. तो अब देखो, इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस करने वाले प्लांट को मतलब प्योर ब्रीड डोमिनेंट को जब हम क्रॉस करवाते हैं लेसर स्टार्च सिंथेसिस करने वाले प्लांट के साथ, मतलब प्योर ब्रीड रिसेसिव के साथ, इसके बहुत ही ज्यादा लार्ज साइज सीड्स हैं, इसके बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज सीड्स हैं. इनके गैमीट्स के बनेंगे जब वो अलग अलग होंगे, सेम टाइप्स ऑफ गैमीट्स फॉर्म होंगे इन बोथ द पेरेंट्स. बोथ द पेरेंट्स के सभी गैमीट्स जो होंगे सेम होंगे बट आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. एंड हर एक ऑफस्प्रिंग का जो होगा फिनोटाइप सेम होगा और जीनोटाइप भी सेम होगा, क्योंकि सभी का जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. एंड थर्स दे विल बी शोइंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वो कम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो करेंगे. क्या शो करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट साइज्ड सीड्स बनेंगी हमारे पास. ना ही बड़े साइज का ग्रेन होगा और ना ही छोटे साइज का ग्रेन होगा. सो इन दिस वे the starch synthesis in pea plants is effected. I hope aapko ye chapter samajh aa raha hai. I hope you are finding this chapter as very interesting, because sach mein ye chapter jo hai bahut hi zyada interesting hai. So isiliye I hope you are doing well by studying genetics. But genetics se related jab bhi aap dekhoge thoda sa kabhi bhi questions pe nazar lagaoge jab aap, to questions are not that much easy. Questions are really really difficult, especially genetics ke Mendelian and non-Mendelian principle of inheritance and variations ke jo questions hote hain tricky hote hain, kyunki bachcho ko samajh to aa jata hai ki kya padha hai humne, but fir bhi wo questions nahi attempt kar pate. Jab wo questions nahi attempt kar pate to gadbad ho jata hai, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, सारी गड़बड़ हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द केस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंसेप्चुअली समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अगर आप गड़बड़ करोगे, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो सकती है. ओके, चलो अब हम फर्दर मूव करते हैं
to our next topic. Students, now our next topic is the chromosomal theory of inheritance. Genes कहाँ पे present होते हैं? Genes are present on the chromosomes. And ये जो genes होते हैं, ये chromosomes के basically chromosomes की discovery के बाद ही यहाँ genes का concept आया. उससे पहले क्या माना जाता था? Factors माना जाता था. Mendel को chromosomes के बारे में कुछ भी नहीं पता था. यहाँ पे हम बात करेंगे about Hugo de Vries, Karl Korens and Shenmark. See, Mendel ka kaam unrecognized kyun hai gaya students? Dekho, ye aap dekh rahe ho, 6 January 1884 ko Mendel ki death ho gayi. Mendel was dead, Mendel died actually. And तो उसका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही रह गया. व्हाई डिड इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड? क्योंकि वहां पे उस टाइम के अंदर कम्युनिकेशन वाज नॉट दैट मच इजी. उसने क्या किया था? मैथमेटिकल अप्रोच किया था एंड दैट वाज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल. मतलब कभी भी कोई पर्सन जो कोई न्यू काम करता है तो उसका काम समझने की कैपेबिलिटी सभी के अंदर नहीं होती है एंड सभी क्या करने लग जाते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि ये काम तो उसने सही नहीं किया होगा या ये उसने क्या किया है, ये उसने किया कैसे है, या हाउ कैन बी एक्सेप्ट दैट दिस इज राइट. बिकॉज उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो क्या कर देते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं. क्योंकि मेंडल ने बेसिकली कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स यूज किए थे, कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, रेशियोज, टू टेल द फीनोटाइपिक रेशियो टू जीनोटाइपिक रेशियो, एंड उसने जो चेकर्स क्रॉस करने के बाद जो हमें बताए थे कि ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनका ये रेशियो है, इनका ये रेशियो है, इस टाइप में ये थोड़ी सी चीजें थी जो मेंडल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. क्योंकि मेंडल का ये जो काम था दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल. सो मेंडल मर गया था 6 जनवरी 1884 में एंड किसी ने उसके काम को रेकोगनाइज नहीं किया था. तो ये चीज है, बट फिर भी वो फादर ऑफ द जेनेटिक्स कैसे बन गया ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ही हम पढ़ेंगे. देखो बच्चों क्या होता था उस टाइम में, मतलब जो लोग हैं, सपोज आज मैंने अगर कोई काम किया तो मैं क्या करूंगी, अपने फेसबुक अपडेट कर दूंगी, यूट्यूब अपडेट कर दूंगी, मैं व्लॉग्स डालूंगी, मैं बहुत ज्यादा इसकी क्या करूंगी, एडवर्टाइजमेंट करूंगी. बिकॉज आज का टाइम इज द यू नो इंटरनेट सेंसेशन, बेसिकली इंटरनेट टेक्नोलॉजी का टाइम है. पर उस टाइम में ना ही टेलीफोन होते थे, पब्लिकेशंस तो स्टूडेंट्स कोई पहचानता ही नहीं था. वो वैसा टाइम था, 1884 का टाइम, आप सोच सकते हो कितना पुराना टाइम है, जब सभी लोग अनपढ़ होते थे, जब सभी लोग सिर्फ फाइट करते थे फॉर फूड, उनके लिए खाना खाना ही जिंदगी था. हम हैं जो आजकल डिस्कवरीज हो रही हैं, बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, बढ़ रही है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है. आज का अगर टाइम इतना ज्यादा इंटरनेट वाला नहीं होना था तो हमें कोई भी कम्युनिकेशन पता ही नहीं चली थी. इसी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड उसके मैथमेटिकल्स, इसने जो मेंडल ने जिस जिसको भेजा अपना काम कि मैंने टी प्लांट पे ये काम किया ऐसे ऐसे किया, तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने, जो सीनियर्स ने बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये पता नहीं उसने क्या करके भेज दिया. उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को, जिसकी वजह से उसका काम क्या रह गया, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया. द कंसेप्ट ऑफ जीन्स, जो मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, उसने बोला था कि स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स हैं एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन. मेंडल ने फैक्टर्स की बात तो की थी कि फैक्टर्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एवरी, मतलब की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, हमारे की हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट वो इतनी अप्रोप्रिएटली समझा नहीं पाया
हाँ कि ये काम कैसे होता है, ये काम कौन कैसे करता है। ही कुड नॉट गिव द फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। वो फैक्टर्स के बारे में बात तो कर गया, लेकिन फैक्टर्स के बारे में वो एक भी चीज एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आपको क्वेश्चन आएगा दैट व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड। एंड अगर मैं बोलूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जितने स्टार्स दे लो, 5 stars, 10 stars, 20, 25, नीट में भी इसको पूछा जाता है। क्योंकि देखो, ये जो बंदा है ना मेंडल, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स के साथ बेसिकली हुआ क्या था, बहुत बड़ा धक्का हुआ था कि उसको किसी ने पहचाना ही नहीं था, उसके काम को किसी ने पहचाना ही नहीं था इन द इनिशियल फेज। इसीलिए जो मेंडल का काम है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और मेंडल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता होता है हर केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको पहले तो इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेंडल फेल क्यों हुआ। He could not give the physical proof for the existence of factors, the concept of genes उसको समझा नहीं पाया, and mathematical approaches भी जो इसके थे वो acceptable नहीं थे, and उस time में communication easy नहीं था। मेंडल को जितने जितने साइंटिस्ट के बारे में पता था, बेचारे ने उन्हें उतने साइंटिस्ट को क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट कर लिया, उतने साइंटिस्ट को कम्युनिकेट करके अपना पब्लिकेशन भेज दिया, लेकिन बाकियों को वो कर ही नहीं पाया। अगर आज के टाइम की तरह अगर वो फेसबुक में या फिर यूट्यूब पे अपना जो डिस्कवरी डालता एंड लोगों को कॉन्टेक्ट करता कि मैंने ये डिस्कवरी की है, देखो इसको, तो गारंटी है कि लोगों ने पहचानना था उसको, उसके काम को एंड हर चीज को पहचानना था। लेकिन इसने क्या मिस्टेक कर दी, इसने ये मिस्टेक कर दी कि कम्युनिकेशन ही नहीं था उस टाइम में, तो इसने स्पेसिफिक लोगों को ही अपना जो डिस्कवरी है वो भेजा, और उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। आई एम सॉरी, हाँ जी, मेंडल ने वर्ड्स बोले थे, मेन जेट वर्ड्स स्को कमन। इसका मतलब है माय टाइम विल येट कम। मरने से पहले उसने यही चीज बोली थी, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था कि मैंने जो काम किया है दैट इज राइट, एंड बाकियों का काम जो है, बाकी जो है इसको पहचान नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या ड्यू टू लैक ऑफ सीरियसनेस। क्योंकि अगर कोई सीरियसली नहीं देखेगा तो वो काम नहीं पहचान पाएगा। इसलिए मरने से पहले मेंडल ये बात बोल के गया, मैन जेट विल्ड शको कोमेन, माई टाइम विल येट कम। तो उसके बाद वो मर गया। उसके बाद 1900 में, मतलब उसके मरने के 26 साल बाद, डी वेरीस, कॉरेंज एंड वॉन शेनमर्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। देखो स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपनी डिस्कवरीज भेजी थी बहुत लोगों को, तो वैसे ही मतलब उसकी फाइल पड़ी थी कहीं पे भी अलमीरा में। तो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, मतलब ह्यूगो डी वरीज ने भी पढ़ा, कार्ल कॉरेंस ने भी पढ़ा एंड शेनमार्क ने भी पढ़ा इसका जो डिस्कवरी था उसको। तीनों साइंटिस्ट ने पढ़ा एंड बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। तीनों ने यही कंक्लूजन निकाला कि भाई मेंडल तो बहुत ही सही बंदा था, उसने तो जो भी बातें बोली थी दे वर टोटली ट्रू। देखो, इन द ईयर 1900 डी वेरीज, कॉरेन एंड वॉन शेनमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल रिजल्ट। मेंडल के रिजल्ट को उन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, लेट अस सी। सटन ने एंड थियोडोर ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। स्टूडेंट, सबसे बड़ी एक चीज तो यही रह गई कि मेंडल ने फैक्टर्स की बात तो की, लेकिन उसने फैक्टर्स के बारे में इतना नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो फैक्टर्स को, क्रोमोसोम्स को देखे, क्रोमोसोम्स में सेल्स को देखे, देन न्यूक्लियस को देखे, जो भी चीज है वो डीएनए को, जीन्स को पहचान ही नहीं पाया, उसको एक्सप्लेन ही कर नहीं पाया, जिसकी वजह से उसका वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर ने क्या किया था,
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, दे सेड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। तो इन्होंने क्या किया, सटन एंड बोवरी ने मेंडल के डिस्कवरी को, मेंडल के लॉस को, जो मेंडल ने लॉस दिए थे उनको पढ़ा, एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्रोमोसोमल सेपरेशन एंड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की बात की कि हाँ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन इज अ प्रोसेस, एंड यही जो प्रोसेस है इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जो पार्ट है वो ट्रू हो जाता है। सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, इन्होंने बोला कि सेल डिविजन के टाइम पे क्रोमोसोम क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट आउट कर जाते हैं। सेपरेट आउट करने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो जीन्स है, जो पेयर ऑफ जीन्स है, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ मेंडल का क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। इन्होंने बेसिकली यही चीज बोली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, बाकी का टॉपिक हम कल कवर अप करने वाले हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।